बहुत सुंदर लग रही है दोस्तों। राम राम। आज हम जा रहे हैं नर्सरी और नर्सरी से हम लेंगे ढेर सारे पौधे। बहुत खूबसूरत जगह से हम निकल रहे हैं तो हमने कहा अपने दोस्तों को भी दिखाएं, आप लोग भी देखें। तो दोस्तों आप लोग भी घरों से निकले और उगाएं आप लोग भी ऑर्गेनिक सब्जियां। आप लोग जहर खा रहे हैं जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार बताती हूं, तो उस जहर से बचने के लिए घर में सब्जियां उगाएं, थोड़ी बहुत मेहनत करें, घर से निकलें। देखिए जो हमारे बगल में बैठी है ना, ये अरबपति हैं, खरबपति, लेकिन इनको इतना शौक है कि ये मतलब मेहनत करती हैं सब्जियों मतलब घर की सब्जी के लिए, ऑर्गेनिक वेजिटेबल के लिए। क्योंकि बाहर की जो सब्जियां आप खा रहे हैं किसी भी हाल में ऑर्गेनिक नहीं है, वो रासायनिक वाली हैं, जहर वाली हैं, कीटनाशक वाली हैं। तो आइए चलते हैं और हम आपको दिखाएंगे कि नर्सरी में हमको क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों हम लोग आए हैं अभी गवर्नमेंट नर्सरी में, आपको दिखा रहे हैं। कनेर, मोंगरा, रखा था, पूछा था, सब तो अपने पास है। तो दोस्तों ये है गवर्नमेंट नर्सरी जहाँ से हम ले रहे हैं पौधे। कुछ फ्रूट के और कुछ फूलों के, तरह तरह की वैरायटी है। देखिए वो ढेर सारे अमरूद, कटहल, ये बड़े झाड़ हैं, इनके लिए बड़ी जगह चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों ठंड की सब्जियों की शुरुआत लग कर दिया हमने उगाना, तो उसी कड़ी में आज हम कुछ और सब्जियाँ उगाएंगे ठंड की। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हम क्या उगाएंगे। और जैसा कि मैं आपको कहती हूँ कि आइए चलें ऑर्गेनिक की ओर और हम जहर मुक्त सब्जियाँ खाएं, रसायन मुक्त सब्जियाँ खाएं, तो ये तभी संभव है जब हम खुद उगाएंगे। आप देखिए ये हमारी सब्जियाँ हैं, बताइए, हमें कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आइए चलते हैं, फिर बाद में हम आपको कराएंगे गार्डन टूर। तो दोस्तों ये है, ऐसे तो पौधे मैं बहुत सारे लेकर आई हूँ, ढेर सारे, जो कि नीचे रखा हुआ है गाड़ी में। अभी मैं आपको इनको दिखा रही हूँ, ये बहुत स्पेशल पौधे हैं, आप इनके बारे में सुना होगा, मिलते मुश्किल से हैं। आपने उगाया है कि नहीं उगाया हमको नहीं पता। ये है ग्राफ्टेड, यानी बैंगन, टमाटर, मिर्ची, हर पौधा ये ग्राफ्टेड है। ग्राफ्टेड का मतलब होता है दोस्तों किसी दूसरे प्रजाति के पौधे में किसी दूसरे प्रजाति के पौधे को ग्राफ्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं ग्राफ्टेड। और इसके कितने सारे बेनिफिट हैं मैं आपको अभी बताती हूँ। ये दिखाओ यहाँ से, ये देखिए, ये इसका जोड़, ये ग्राफ्टेड है पूरा। ये बैगन, टमाटर, मिर्ची, तो ये सारे पौधे ग्राफ्टेड हैं। आइए चलते हैं, इसके मैं बेनिफिट बताती हूँ जो कि ढेर सारे हैं। तो दोस्तों ग्राफ्टिंग तकनीक से उगाए हुए पौधे, चाहे बैंगन, मिर्ची, टमाटर कोई भी हो, ये पौधे मजबूत होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी ये ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं। अगर ये 2-3 दिन के लिए पानी में डूब भी जाए तो भी इनको कोई नुकसान नहीं होता। आप इनको छत पर भी बहुत आसानी से उगा सकते हैं। और इस तरह की तकनीक से उगाए हुए पौधे बहुत ही फ्रूटिंग करते हैं, यानी नॉर्मल तरीके से जो आपको उत्पाद मिलता है, फल या सब्जी जो भी है, अगर आपको मतलब कम से कम ट्रिपल ज़्यादा होता है, ज़्यादा इसमें मिलते हैं। और इन पौधों की सहनशीलता ज़्यादा होती है और हर परिस्थिति में, यानी इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और ये जल्दी जो है
खराब नहीं होते हैं। हाँ, एक बहुत जरूरी बात जो आपको मैं बताना भूल रही हूँ, अगर आपका टमाटर का पौधा 3 महीने तक आपको फ्रूटिंग देता है तो ये पौधा आपको 8 महीने तक फ्रूटिंग देता रहेगा। तो इतने फायदे हैं इस तकनीक से जो पौधे बनते हैं उनको उगाने के। तो दोस्तों, इसको उगाना कैसे है मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले कंटेनर तो आपने भर लिया, जैसा कि आपको पता है हमने भी भर लिया। अब इस कंटेनर को आप क्या करेंगे कि गीला कर लेंगे। देखिए, हमने गीला कर लिया है। और एक बहुत ट्रिक की बात, जो बहुत जरूरी बात है, आप पौधे को हमेशा शाम को उगाएं, लगाएं, और बीज आप कभी भी डाल सकते हैं। आप देखिए, शाम हो रही है। दूसरी जो बहुत जरूरी महत्वपूर्ण बात है, ये जो ग्राफ्टेड वाले हैं, आपको यहाँ से उगाना है, ना कि यहाँ से। अगर आप यहाँ से उगाते हैं, दिखाओ इसको, अगर आप यहाँ से उगाते हैं तो फिर इसके गुण उसको नहीं मिलेंगे, इसका गुण उसको मिलेगा। तो आपको इसको मिट्टी के ऊपर रखना है, आपको ये वाले इसको जहाँ से ग्राफ्टिंग है उसके नीचे आपको मिट्टी में उगाना है। और अगर यहाँ से कोई अंकुरण या कुछ भी ब्रांचेस निकलती है तो उसको तोड़ते जाना है। तो आपको करना क्या है, आप ये देखिए, ऐसे थोड़ी सी बनाइए गड्ढा ताकि पौधे को आपके कम से कम शॉक लगे। ये देखिए, इसको मिट्टी के लेवल से जो ग्राफ्टिंग है उसको ऊपर रखना है। यही तकनीक इसमें बहुत जरूरी है दोस्तों, जो आपका ग्राफ्ट है उसको मिट्टी के ऊपर रखना है, मिट्टी को मॉइस्चर रखना है, मिट्टी को गीला कर लीजिए और शाम को लगाइए ताकि आपके पौधे को शॉक ना लगे। ये देखिए, इस तरह से। तो इसी तरह से मैं सारे पौधे उगाऊंगी। तो इसमें मैं उगा रही हूँ दोस्तों टमाटर। टमाटर नॉर्मल तरीके से भी हमारे यहाँ कुंटलों होता है, ये तो थोड़ा सा स्पेशल है, बहुत आधुनिक तकनीक है ये खेती की। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ एक से एक नई नई तकनीक आ रही है, जिससे हमारे यहाँ 12 महीना सब्जी भी मिलती है और 12 महीना जो है आपको मनपसंद सब्जी। हाँ, आप अपने हाथ से अगर उगाते हैं तो उसमें फायदा ये होगा कि आपको ऑर्गेनिक मिलेगा। तो दोस्तों, इसको उगाकर फिर मैं आपको बैगन के बारे में बताऊंगी। बोलू तो दोस्तों, ये पौधा मिलता मुश्किल से है, अगर आपको कहीं मिल जाए तो जरूर खोजना, क्योंकि ये तकनीक बहुत आसानी से मिलती नहीं है। अगर आपको मिल जाए तो इसको जरूर लेना और जरूर ट्राई करना और देखना कि इसका रिजल्ट क्या है। एक बार आप कोशिश करो और देखकर बताना कि इसका रिजल्ट क्या है। पौधे थोड़े से महंगे मिलते हैं, नॉर्मल जो पौधे रहते हैं बीज वाले उनसे ये थोड़े से महंगे मिलते हैं। कितने में मिलते हैं मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। एक यहाँ लगा दो ऐसे, पर ध्यान रखना है कि वो नीचे ना जाए, उसका मतलब ग्राफ्टिंग वाला जो है वो नीचे नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये बैगन है, बैगन के भी सेम प्रक्रिया है और सेम इसी तरह से हम उगाएंगे और सेम बेनिफिट है इसके भी। इसमें भी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा रहेगी और आपके पौधे जो है ज़्यादा दिन तक फ्रूटिंग देंगे। और ये इनमें मतलब कि अगर ज़्यादा थोड़ा पानी भी ज़्यादा हो जाता है तो भी इसको दिक्कत नहीं है, यानी इसमें मतलब कहते हैं कि ये वाले जो पौधे हैं ना, थोड़ा सा भी पानी ज्यादा हो, मतलब कि नॉर्मल जो हम लगाते हैं, तो पौधे जो है मरने लगते हैं। लेकिन इसमें ना 2-3 दिन भी अगर ये पानी में डूबा रहेगा तो भी नहीं मरेगा। और ये नॉर्मल जैसे बैगन आपका जितना फ्रूटिंग करता है उससे कहीं 3-4 गुना ये आपको फ्रूटिंग देगा। तो अगर आपको ये कहीं मिलता है तो इसको आप जरूर उगाएं, मतलब जरूर खरीदें। मिलने का ये दोस्तों पता नहीं, मुझे तो लगता है कि मेरे से ज़्यादा ले लिया कि कम, नहीं मालूम, लेकिन ये दोस्तों 10 रुपए का एक पौधा है। वैसे नॉर्मल हम बड़ी नर्सरी से डायरेक्ट उनसे खरीदे हैं, अगर मतलब कि जो बेचने वाले अलग से लेकर आते हैं वो इसको थोड़ा ज़्यादा पैसा लेते हैं, क्योंकि हम उन्हीं से लिए हैं जो कि होल सेल का करते हैं, इसलिए हमको इतने में ये मिल गया है, 10 रुपए में एक पौधा, चाहे वो मिर्ची का हो, चाहे टमाटर का हो और चाहे बैगन का हो। तो मिट्टी को गीला करें और इनको इस तरह से दबा दें। देखिए,
ग्राफ्ट वाला एरिया ऊपर रहना चाहिए, मिट्टी में नहीं दबना चाहिए। ग्राफ्टिंग वाला एरिया मिट्टी में नहीं दबाना है। चंदू आ गया है, उसको खाना देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है मिर्ची, हरी मिर्ची लंबी वाली। मेरे पास गोल है और पर्पल है और कई तरह की मिर्चियां हैं, लेकिन ये वाली मिर्ची नहीं थी मेरे पास ग्राफ्टेड वाली, तो इसको भी मैं लेकर आई हूँ। तो अब मैं लगाऊंगी मिर्ची। मिर्ची तो अपने गार्डन में होना ही चाहिए। तो दोस्तों मिर्ची उगाकर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों हम पौधे लगा ही रहे थे कि मेरे चंदू को भूख लग गई, इसको मैंने खाना खिलाया। नहीं नहीं चंदू, ए चंदू खा दिया, चंदू खा दिया, चंदू देख लो। सीढ़ियों से जब मैं अपनी बोगनवेलिया दिखाती हूँ ये वाला ना, तो अच्छा दिखता है, देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है ना। और इसके बारे में क्या कहूँ, ये तो मुझे बार बार मन करता है कि मैं आपको इसको दिखाती रहूँ। मैं पूरी तरह से इसको आपको दिखा नहीं पाती हूँ। इस तरह से ये खिलते हैं दोस्तों, वाह। देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। तो हमें खूब सारी भिंडी मिल गई, वाह भाई। ये देखिए एक सब्जी की भिंडी मिल गई। और अभी आपने देखा कहाँ पूरा, ये देखिए मेरा अडेनियम कितने खूबसूरत, कितने फूलों के गुलदस्ते बने हुए हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, इसको ज़रूर उगाएं, आपके गार्डन को आपकी बगिया को फूलों से भर देगा। तो देखने में खूबसूरत तो रहता ही है, इसके फूल भी बहुत अच्छे, इसके कोडेक्स भी बहुत अच्छे होते हैं। और दोस्तों बहुत महंगा पौधा है ये, इस तरह के पौधे इतने महंगे, इतने बड़े बड़े पौधे बहुत महंगे आते हैं। तो दोस्तों इधर दिखाती हूँ मैं आपको पूरा, और ये देखिए कहीं भी आप थोड़ा सा परचुलाका लगा देंगे तो किस तरह से फूलों के गुलदस्ते बन जाते हैं। ये हमारी टोपियारी है, इस पे हमने उगाया हुआ है थोड़ा सा परचुलाका। ऐसे तो छत पे भी होगा पर अभी मैं गई नहीं हूँ। ये हमारा बेबी सनरोज, ऐसे इसका कुछ नाम है। और ये हमारे हैं अडेनियम, सुंदर सुंदर से इतने सारे। और ये इधर फ्रूट वाले प्लांट है, देखिए कितने सुंदर खिले हुए हैं। इनके कलर देखिए, देखिए ये ग्राफ्टेड है दोस्तों, डबल पेटल नहीं है लेकिन है ये ग्राफ्टेड। ये देखिए ये नॉर्मल है, ये ग्राफ्टेड नहीं, अवैसम है ये, और ये जो है ग्राफ्टेड है। और ये वाला भी ग्राफ्टेड है, ये येलो कलर का है, अभी खिला नहीं है। और मैं दिखाती हूँ टोपियारीज जेट प्लांट के, ये हमारी टोपियारीज हैं जेट प्लांट की। उधर ओम देखा ना आपने, वो देखिए वो ओम है। और ये हार्ट, ये हट बोन जाए, देखिए कितना सुंदर, देखिए इसकी इसकी जड़ें, इसकी कोडेक्स। और हम दिखाते हैं आपको ये हमारा, ये भी हमारा हट ही है। और ये हमारा स्वास्तिक, और नीचे भी ढेर सारे हमने पौधे लगाए हुए हैं। दोस्तों राम राम। दोस्तों मैं कई दिन से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे है,
लेकिन आपको ये फूल दिखाने से खुद को रोक नहीं पाई। आप देखिए ऐसे खिले हुए हैं, बस थोड़े पौधे देखने आ गई मैं, तो इनको देखकर तो मैं क्या बताऊं आपको, ऐसे खिले हुए हैं पूरा भर भर के, देखिए आप। इतने सुंदर लग रहे हैं, पूरा देखिए यहाँ से ऐसे खिले हुए हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमने सीढ़ियों में रखा हुआ है, ये भी पूरा खिले हुए हैं, ये देखिए। वाह, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का हृदय से आभार। तो दोस्तों, आपने देखा, आपने सीखा, आपने समझा कि किस तरह से हम बहुत ही कम संसाधनों में ढेर सारी सब्जियां अपने छत पे उगा सकते हैं। हमें कोई जमीन की जरूरत नहीं है, जमीन है तो वेस्ट है, और नहीं है तो बगैर बहाना किए अपने घर के लिए जहर मुक्त सब्जियां आप लोग उगाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इस तरह से दो चार चंदू को अपने घर का हिस्सा बनाएं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।